राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने कहा है कि अध्यादेश का विकल्प हमेशा से खुला रहेगा। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में सुनवाई होनी है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि उम्मीद है कि राम मंदिर पर फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी, फिर भी नहीं हुई तो अध्यादेश समेत सभी विकल्प खुले हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है तो जल्दी एक फास्ट ट्रैकिंग करके इस केस का एक समाधान निकाल सकती है। ये नहीं होता है, अगर इसकी संभावना नहीं बनती है तो अदर ऑप्शंस तो खुले हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार कोर्ट से अयोध्या केस की रोजाना सुनवाई की मांग करेगी। वहीं यूपी के बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने केस की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर विवादित बयान दिया है। बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने भी अजीब बयान दिया, कहा कि मोदी सरकार की मंशा है कि बिना छत के कोई नहीं रहे, ऐसे में प्रभुराम तिरपाल में क्यों रहें, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए।